कंपनी का नाम है केपीआर मिल्स। इस वीडियो में हम केपीआर मिल लिमिटेड कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। कंपनी अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, प्रॉफिट दे सकती है या नहीं फ्यूचर के अंदर, और अभी टेक्निकल चार्ट के बेस पे इसमें फ़िलहाल एट प्रेजेंट बाइंग है या नहीं, या अवॉइड करनी चाहिए, थोड़े दिन बाद करनी चाहिए, वो सब ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हूं सनी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोकर यूनिवर्सिटी 21 में। बने रहिए चैनल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केपीआर मिल इज इंगेज्ड इन वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द इंडिया। तो अपैरल होता है, कपड़े को अपैरल बोलते हैं। तो केपीआर मिल के गलती है, कपड़े को मैन्युफैक्चर करती है इंडिया के अंदर। द कंपनी प्रोड्यूस यार्न, नेटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर। तो यार्न, फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट हैं उनको प्रोड्यूस करती है, और विंड पावर मतलब जो हवा के द्वारा बिजली उत्पादित होती है उसको प्रोड्यूस करती है कंपनी केपीआर मिल्स। तो कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, मार्केट कैप कैसा है। मार्केट कैप है 13,585 करोड़ का, मिड कैप की कंपनी है, 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ के बीच की को मिड कैप कहते हैं। करंट प्राइस है 1973 रुपये, 52 वीक हाई इसने 2086 का लगाया है, लो है 408 का। स्टॉक का पी है 21.8 का। तो पीई के हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, सस्ती भी नहीं है, ठीक है। पर बुक वैल्यू है 342, और अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो कम से कम 5 गुना के आसपास ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी, अगर पीई और बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है, महंगी नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0.19 की है, आरओसीई 25% का, आरओसीई भी ठीक है, आरओईई भी ठीक है। आरओसी और आरओई अगर मैं आपको बताऊं तो 15% से ऊपर होने चाहिए तो ठीक माना जाता है। तो आरओसी और आरओई के हिसाब से कंपनी ठीक है, पीई और बुक वैल्यू भी कंपनी की ठीक है, वैल्यूएशन अच्छी हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों अच्छे हैं। तो अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग। कंपनी के प्रमोटर 74.72% कंपनी के प्रमोटर के पास उसकी होल्डिंग है। सितंबर 2020 में 74.72 थी और जून 2021 में भी 74.72 ही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग थोड़ा सा बड़ी है, सितंबर 2020 में 1.40 थी और जून 2021 में जो बढ़कर है 2.65 हो चुकी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ती है, महंगी नहीं हुई है। तो और देख लेते हैं कि कंपनी आखिर कर क्या रही है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं, उसकी स्टेटमेंट कैसी है, वो देख लेते हैं कि कंपनी की सेल्स क्या हैं। तो मार्च 2019 में कंपनी की सेल थी 3,384 करोड़ के अंदर आए, तो मार्च 2020 के अंदर बढ़ के कम हो गए थोड़ा सा, 3,353, 2021 में बढ़ के 3,530 हो गया। तो बढ़ी हैं सेल्स इसकी 2019-20-21 तक, बढ़ चुकी हैं 21 तक इसकी। एक्सपेंसेस तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही क्योंकि सेल्स बढ़ेगी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 612-820 हो चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर परसेंटेज के हिसाब से मतलब 24% हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 830 था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 469 था मार्च 2019 में, मार्च 2020 में 472 हो गया और मार्च 2021 में 689 हो गया। तो और EPS देख लेते हैं कंपनी के अंदर, EPS देखो 40, 54 और 74, 2019-21 के अंदर हो गया 74 का EPS हो गया। तो EPS भी बड़ा है, अर्निंग पर शेयर जो मेन देखा जाता है कंपनी के अंदर, EPS देखा जाता है कि कंपनी, उससे पता चलता है कंपनी घाटे में काम कर रही है प्रॉफिट में काम कर रही है। EPS बढ़ रहा है मतलब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप ये मान सकते हो। मैंने सेल्स भी दिखा दिया आपको, प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन भी दिखा दिया, और वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी सस्ती है, मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी के अंदर। अभी हम कंपनी के ऊपर कर्जा क्या है वो सब देख लेते हैं। बोरोइंग देखो 48 की थी 2018 में, 19 में 856 की होगी, मार्च 2020 में 788 की होगी, मार्च 2021 में 610 करोड़ की बोरोइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिजर्व देखो 2316 करोड़ की रिजर्व है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। रेशो डेटर डेज और आरओसीई देख लेते हैं, आरओसीई 26 का है इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर डेज
44 से 33 हो चुके हैं, डेटर डेज कम हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, डेटर डेज का मतलब मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में भी, इसमें भी बता देता हूँ। डेटर डे होता है जैसे कंपनी ने किसी का प्रोडक्ट बनाया है दूसरी कंपनी का, तो उस कंपनी ने अभी पेमेंट करनी रह रही है, तो मतलब उधारी उधार पैसे रह रखे हैं कंपनी के। पहले 44 दिनों में पैसे आते थे कंपनी के, अब 33 दिनों बाद प्रोडक्ट के पैसे आने लग चुके हैं सेल्स के, तो उधारी के पैसे 33 दिन में वापस आने लग गए हैं, तो डेटर डेज कम हुए हैं। इसका मतलब है कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है अब। तो ये थे फंडामेंटल, और अब हम टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। आज है 29th of July 2021, और आज मैं रूट मोबाइल का टेक्निकल चार्ट आपके साथ लेके आया हूँ। इसमें आप देखें सीधा फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, और ऊपर जो सपोर्ट बना हुआ था नीचे की तरफ, वहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जब इसने ब्रेकआउट दिया है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस था उसको भी तोड़ चुका है, और नीचे की तरफ वॉल्यूम भी है, तो यहाँ से इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप इसको 15-20 दिन होल्ड करिए एक स्विंग ट्रेड के लिए। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।